अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अगर आप अपवर्क और फाइवर से तंग आ चुके हैं और यहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो दोस्तों आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी वेबसाइट शेयर करने जा रहा हूँ जिस पर आप अपना अकाउंट यानी गिग बनाकर आप यहां पर एक महीने के अंदर ऑर्डर ले सकते हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल ले सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि लोग यहां पर अपने अकाउंट को बनाकर किस तरह से जो है वो अर्निंग कर रहे हैं और किस तरह से ऑर्डर ले रहे हैं। और सेकंड बात यह है कि मैं आपको फाइवर, अपवर्क यानी और जो वेबसाइट मैं आपके सामने शेयर करूंगा, इसका मैं आपको कंपटीशन भी करके दिखाऊंगा कि यहां पर कितने सेलर्स जो है वो बैठे, यानी यहां पर ये कंपटीशन जो है वो कितना कम है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है और इसका कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं जी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि काम किस तरह से करना है। जी तो जनाब, हम आ चुके हैं जी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको सारा प्रोसेस जो है वो करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने एक वेबसाइट ओपन की है जिसका नाम है जी एनीटास्क। आप गूगल के सर्च बार में जाकर टाइप करेंगे एनीटास्क तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस वेबसाइट पर काम सिखाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वेबसाइट बेसिकली करती क्या है। इस वेबसाइट के ऊपर बेसिकली क्या करते हैं कि जी लोग यहाँ पर अपनी सर्विस को सेल करते हैं, यानी यहाँ पर सेलिंग भी होती है और बाइंग भी होती है। यानी जिसको काम लेना होता है तो वो यहाँ पे आके सर्विस को बाय करता है और आप यहाँ पे अपनी सर्विस को सेल कर सकते हैं, बिल्कुल फाइवर की तरह है। बट यहाँ पे फाइवर के मुकाबले में ये है कि फाइवर पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जो लोग बिगिनर्स आते हैं तो उनके लिए मुश्किल यही होता है और अक्सर वो क्लेम कर रहे होते हैं कि सर हमें जो है वो फाइवर के ऊपर जो है हमने गिग बनाई है और गिग कोई हमें जो है यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और ऑर्डर नहीं मिल रहे। ठीक है, क्योंकि फाइवर के ऊपर मेन चीज़ यही होती है कि फाइवर के ऊपर कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑर्डर लेना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से जो एनीटास्क की वेबसाइट है ये एक बिल्कुल यूएसए बेस्ड वेबसाइट है और यहाँ पर क्या होता है कि आपको जल्दी जो है वो यहाँ पर ऑर्डर मिल सकता है। अगर क्योंकि इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो है सर्विस जो देने वाले लोग हैं यानी इसके ऊपर जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो यहां पे मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा देता हूं। अब यहां पे देखिए काफी लोग जो है यहां पे ऑर्डर ले रहे हैं, यहां पे बिल्कुल सेम कैटेगरी है। यहां पे देखिए 5.0 की रेटिंग है, 5 ऑर्डर ये बंदा ले चुका है, 5 ऑर्डर ये ले चुका है, 108 ऑर्डर ये बंदा ले चुका है। इसी तरह से यहाँ पे देखें जी, हमारे पास 4 ऑर्डर ये बंदा ले चुका है, उसके बाद 23 ऑर्डर ये ले चुका है। ठीक है जी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे ऑर्डर ले रहे हैं और यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इसके टास्क की बात करें तो यहाँ पर NFT की जैसे ही मैंने यहाँ पर ओपन किया ये वाली, अब यहाँ पे देखें 1000 टास्क है। यहाँ पर मैं आपको अपनी पसंद की जो है वो कैटेगरी यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पर मैं वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब जैसे ही मैंने वेब डिज़ाइनिंग लिखा है तो वेब डिज़ाइनिंग में यहाँ पर देखें 2 ऑर्डर हैं, उसके बाद 2 ऑर्डर हैं, 1 ऑर्डर है, इसी तरह से 1 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर है। यानी यहाँ पर अब देखें जी टास्क जो है वो 144 जो है यहाँ पर लोग सर्विस दे रहे हैं, 144 जो है यहाँ पे लोग सर्विस दे रहे हैं। यानी यहाँ पर अगर आप अपनी गिग को अपलोड करते हैं तो यहाँ पर कंपटीशन होगा कम, तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे और इसके ऊपर जी ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ मैं आपको प्रूफ के साथ आपको लाइव अपने लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाऊँगा। इसी तरह से जब मैं इसको कंपेरिजन करता हूँ फाइवर के साथ तो यहाँ पर वेब डिज़ाइनिंग को जब मैंने चेक किया तो ये 37,000 प्लस जो है यहाँ पर लोग सर्विस जो है वो इस वेब डिज़ाइनिंग की दे रहे हैं। आप ये सोचें कि 37,000 से प्लस यहाँ पे लोग जो है जब आपको सर्विस दे रहे हैं तो जब आप अपनी गिग को अपलोड करेंगे तो साफ जाहिर है कि आपको जो है यहाँ पे ऑर्डर मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एनीटास्क के ऊपर अपनी गिग अपलोड करते हैं, अपनी सर्विस को सेल करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो जल्दी जो है वो ऑर्डर मिलेगा और यहाँ पर आप जो है वो अपना जो है
कीमती टाइम जो है वो ज़ाया भी नहीं होगा और यहाँ से आप अर्निंग भी करेंगे। ठीक है जी, अब इस वेबसाइट को आपने ज्वाइन करना है, किस तरह से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको इसका कंपैरिजन करके बता दिया। अब आपको आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एनी टास्क वाली वेबसाइट जो है ये किस तरह का काम करती है। ठीक है, तो अब इसको ज्वाइन किस तरह से करना है। ज्वाइन करने के लिए यहां पे देखें आपको साइन इन है, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो यहां से आपने साइन इन कर लेना है, अदरवाइज आपने यहां से ज्वाइन करना है। तो वीडियो को आपने गौर से देखना है, अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको यहां पे आज मास्टर बना के छोड़ूंगा कि किस तरह से आपने अपनी एक प्रोफेशनल गिग बनानी है और किस तरह से इसको अपलोड करना है। वन बाय वन हर चीज में आपको लाइव जो है वो करके दिखाऊंगा। तो यहां पर साइन इन है, इसके बाद है जी ज्वाइन। तो आपने सिंपल क्या करना है जी, यहां पर ज्वाइन पर करेंगे क्लिक। यहां पर अब यहां पे वो पूछ रहे हैं कि इंटर योर ईमेल एड्रेस, उसके बाद है जी चूज अ पासवर्ड। इसको फिल करने से पहले आपने सबसे पहले ये जो तीन जो आपको नजर आ रहे हैं जी चेक, आपने इसको चेक कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने यहां पे करना है जी ईमेल एड्रेस, उसके बाद यहां पे आपने पासवर्ड लिखना है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने अपना जो है वो पर्सनल ईमेल एड्रेस लिखना है और उसके बाद आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है जी। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे टाइप कर, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर टाइप कर दी है। उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है जी, ज्वाइन नाउ पर क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, जैसे ही ज्वाइन नाउ पर करेंगे क्लिक तो एक ही अटेम्प्ट में आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि चूज अ यूज़र नेम, तो आपने अपना जो है एक यूज़र नेम यूनिक सा रख लेना है। ठीक है, अगर नहीं तो यहाँ पर सजेस्टेड में भी आपको मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आ गया जी आई वॉन्ट टू मोस्टली, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने जो टास्क है वो सेल करना है या बाय करना है। तो मैं आपने यहाँ पे क्योंकि सर्विस आप बेच रहे हैं तो आपने यहाँ पे इसको सेल पे के पर क्लिक करना है। ठीक है जी, उसके बाद जी लेट्स गो पर क्लिक करेंगे, और लेट्स गो पर क्लिक करेंगे तो अब आपका जो अकाउंट है वो एक ही अटैम्प्ट के ऊपर आपका अकाउंट बन चुका है। तो जैसे ही आपका ये अकाउंट बनेगा तो अब आपके पास दो ऑप्शन नजर आएंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू डू नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आ जाते जी एक है कनेक्ट एन ETN ऑनलाइन वॉलेट। अब ये चीज़ क्या चीज़ है, अब यहाँ पे आपका क्या होता है, जहाँ पे अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं आपको ऑर्डर मिलते हैं, तो ऑर्डर जब मिलते हैं तो इसकी पेमेंट को जब वसूल करते हैं तो उसके लिए आपका जो ETN जो है ऑनलाइन वॉलेट आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए मैं नेक्स्ट जो है एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी जो एक लेंथी प्रोसेस है तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि आपने ETN जो वॉलेट है वो किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके ऊपर आपने गिग किस तरह से बनानी है, अपना जो टास्क है वो किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, यहां पे आपने सिंपल क्या करना है जी, क्रिएट अ ड्राफ्ट टास्क, यहां पे सिंपल आपने करना है जी यहां पे क्लिक, और क्लिक करेंगे तो अब यहां पे आपने क्या करना है जी, टास्क टाइटल देना है। यहां पे आपने इसको क्या करना है जी, सिंपल यहां पे इसको मैं यहां पे क्रॉस कर लेता हूँ। ठीक है जी, ताकि आप परेशान ना हो जाएं। यहाँ पे जी टास्क टाइटल देना है, यानी अब आपने जिस जो सर्विस देनी है उसका जो आपने एक टाइटल देना है वो कौन सा रखना है। तो यहाँ पे आपने आपने टाइटल देना है, उसके बाद यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, उसके बाद यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट्स है वो डालनी है, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेट वगैरह आपने लिखनी है। ये चीज़ें मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर है जी टिप्स ऑन ऑफ, यहाँ पर आपको जो है एक टिप्स बताई जा रही है कि आपने किस तरह से टाइटल डालना है और कितना वर्ड्स का जो है वो टाइटल होना चाहिए, यानी कितने वर्ड्स का और कितने करेक्टर्स का जो यहाँ पे आपने टाइटल डालना है। तो यहाँ पे आपने टिप्स है, ऑन ऑफ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, अब जैसे मैंने ऑफ किया तो ये चीज़ें आप ख़त्म हो गई, अगर आप इसको ऑन करते तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है जी, अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ जी, यहाँ पर एक टाइटल डाल देता हूँ, उसके बाद मैं एक डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। अब डिस्क्रिप्शन कहाँ से लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको पता है कि आप जो है वो गूगल बार्ड से भी लिखवा सकते हैं, ChatGPT से, एक फाइवर से ज़बरदस्त एक कैची सी आप जो है एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ से राइट करवा लेते हैं। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ जी, यहाँ पे एक टाइटल डाल देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ जी, एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे राइट कर लेता हूँ जी। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन भी लिख दी है, उसके बाद टाइटल भी मैंने डाल दिया है, उसके बाद जी फाइनल प्रोडक्ट्स में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये इसलिए मैंने किया है कि जस्ट टाइम बचाने के लिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखने बैठूँगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर जो है आप काफ़ी बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख लेना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आई विल डू, यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक टाइटल डाल दिया एक अच्छा सा, उसके बाद मैंने एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल दी, उसके बाद यहाँ पर मैंने जी फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर
मैंने लिख दिया जी क्लाइंट विल गेट 100% यूनिक वेब डिज़ाइन, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी ट्रांसलेट। अब यहाँ पे वो पूछता है कि ट्रांसलेट टू इंग्लिश, तो यहाँ पे आपने जस्ट इसको ऐसे रहने देना है। उसके बाद यहाँ से आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद वो पूछेगा जी डिलीवरी, यहाँ पे आपने बताना है जी कितने दिन के अंदर आप इस टास्क को कंप्लीट करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ जी, सिंपल यहाँ पे टू डेज यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी, दो दिन के अंदर मैं इस टास्क को कंप्लीट करके दे सकता हूँ। उसके बाद ये रिवीजन्स का पूछेगा, तो रिवीजन्स आपने यहाँ पे इसको 100% ही रख लेनी है, ठीक है जी 10%। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने कितनी प्राइस रखनी है जी इस सर्विस को बेचने के लिए, आपने कितनी प्राइस जो है यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया जी, मैं इस सर्विस को जी मैं यहाँ पे लूँगा जी आपसे $100, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे रख दिया जी यहाँ से $100। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर करना है जी क्लिक, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद वो पूछेगा जी कैटेगरीज। तो अब आपने क्या करना है जी, अपने रिलेटेड यानी जो सर्विस आप दे रहे हैं तो आपने अपने ही रिलेटेड आपने यहाँ पे जो है वो कैटेगरी डालनी है, ठीक है जी। अब जैसे मेरे पास है जी वेब डिज़ाइनिंग के मुतलिक, तो मैं अब उसी डिज़ाइन के मुतलिक ही यहाँ पे डालना चाहूँगा, ठीक है जी। तो अगर आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, आर्टिकल राइटिंग है या कुछ और सर्विस आप बेचना चाह रहे हैं, तो अब आपने वहां पे उसी हिसाब से जो है वो सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है जी। तो मैं यहां पे ये वाला कर लेता हूं। उसके बाद है जी विजुअल डिजाइनिंग, उसके बाद यहां पे आ जाता है हमारे पास लोगो डिजाइन है या काफी सारी चीजें जो है यहां पे मिल जाती है। तो मैं यहां पे क्या कर लेता हूं जी, सिंपल यहां पे वेब डिजाइनिंग के मुतलक जी यहां पे मैं लिख लेता हूं। अब आपने यहां पे क्या करना है जी, अपनी कैटेगरी यहां पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहां पे लैंग्वेज का ऑप्शन पूछ रहा है कि अब आप जो है वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो आप एक्सपर्ट हैं। आपको उर्दू आती है, इंग्लिश है, कुछ और किसी और कंट्री की लैंग्वेज आती है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, सिंपल यहाँ पे मैं इंग्लिश ही टाइप करता हूँ। तो क्योंकि इंग्लिश जी मैं अपनी लिख लेता हूँ यहाँ पे इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर यहाँ पे। उसके बाद आपने ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ जी, यहाँ पे उर्दू भी क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे जी मैं सिंपल यहाँ पे उर्दू क्लिक कर लेता हूँ। लैंग्वेज को यहाँ पे करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश उर्दू, अगर आपको किसी और लैंग्वेज के अंदर भी आपने करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है जी, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने पोर्टफोलियो डालना है, यानी अब आपने यहाँ पे कुछ भी लोगो सॉरी अपना वेब डिज़ाइनिंग के मुतलिक अगर आपने कुछ एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, अगर आपने किसी और जगह पर काम किया हुआ है नहीं बनाना आता, तो आप कैनवा के अंदर भी एक पोर्टफोलियो जो है एक अच्छा सा बना के अब यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि जी टास्क यूआरएल, तो यहाँ पर आप अपना यूआरएल जो है वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर ये ऐसे रहने देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ जी, जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो मैं सिंपल क्या करता हूँ जी, उसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। और आपने भी इसी तरह से यहाँ से यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है जी। तो आपने पोर्टफोलियो मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे आप करेंगे जी क्लिक, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने जाना जी, ये मेरी पास पिक्चर बनी पड़ी है जी वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको क्या कर लेता हूँ जी, ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। ओपन करता हूँ तो अब मेरा एक पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि वी आर करंटली एक्सपीरियंस हाई डिमांड ऑन योर साइट, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ जी, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है जी, ताकि ये वाला जो बग्स है, जो इशू आ रहा है, ये वाला सॉल्व हो जाए। तो इसी तरह से आपने अपनी जो है वो एनी टास्क के ऊपर जो है एक गिग बना के और इसी तरह से आपने अपलोड कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरनेट का इशू आ रहा है या कोई नेटवर्क का इशू आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो गिग अभी तक अपलोड नहीं हुई, ठीक है जी। तो इसी तरह से आपने काम करना है, और जो है ना आई होप थोड़ी देर बाद मैं जब इसको ट्राई करूँगा तो ये यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी। जो पत्रिकाकार मैंने बताया है बिल्कुल सेम, आपने इसी तरह से अपनी गिग को अपलोड करना है और यहाँ पे अपना जो है आपने जो है वो सर्विस सेल करके आपने यहाँ पे अर्निंग करनी है, ठीक है जी। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।